Patel's vision and being open to change as a challenge, which you mentioned in your speech, will always be remembered and followed by us. We assure you to live up to your expectations and never to let you down. Our Honorable Chief Minister has to leave the function a little early due to his urgent prior engagements. We now request him to kindly address the gathering and share his viewpoints on the occasion. Honorable Chief Minister. आप सभी को मेरा नमस्कार. सबसे पहले सिविल सर्विसेज डे पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. लगभग एक साल सवा साल सरकार को पूरा हो गया और इस एक साल के अंदर सरकार की ढेर सारी उपलब्धियां हैं, जिसको न केवल पूरे देश के अंदर आज चर्चा की जा रही है, विदेशों में भी दिल्ली की सरकार के गवर्नेंस की चर्चा की जा रही है. बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की जा रही है. मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूलों, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स हैं, ऑडिवन है, बहुत सारी चीज़ें. कई सारी चीज़ें सक्सेसफुल भी हुई, कई सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें सक्सेस ना मिले. लेकिन इतना है कि यह सरकार कुछ कर तो रही है, लोगों को विश्वास है, लोगों को उम्मीद है. और दूसरा, इस सरकार का के कमिटमेंट और इस सरकार की ईमानदारी, इसके बारे में हमारे सबसे जो वर्स्ट क्रिटिक हैं वो भी इसके बारे में तो कसम खाते हैं कि हाँ, सरकार तो ईमानदार है और पूरी तरह से लगी हुई है. इसके बारे में कोई भी दो राय नहीं है. पिछले साल भर के अंदर कई मीठे अनुभव हुए, कई कड़वे अनुभव भी हुए, और मैं कुछ बातें आपके समक्ष सोचने के लिए रखना चाहता हूँ. सो उसमें कुछ बातें कड़वी लगें तो सबसे पहले शुरू में मैं माफ़ी मांग लेता हूँ. 31 दिसंबर को दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी स्ट्राइक पे चली गई. शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि आईएएस अफसर सारे मिलके स्ट्राइक पे चले गए. और मेरे को तो याद नहीं आता कि दानिक्स ऑफिसर्स भी, अभी जब से दानिक सर्विस बनी है, कभी स्ट्राइक के ऊपर गए थे. सो सारे आईएएस ऑफिसर्स और सारे दानिक्स ऑफिसर्स 31 दिसंबर को स्ट्राइक पे चले गए. 1 जनवरी को ऑडिवन लागू होना था. 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे ऑडिवन का ड्राई रन था और उसी 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में सारे ऑफिसर स्ट्राइक पे चले गए, सारे सेक्रेटरी स्ट्राइक पे चले गए. और मुझे बताया गया, मैं तो ज़्यादा डेटा मुझे नहीं पता, कि शायद 1947 के बाद से आज तक किसी भी स्टेट में कभी आईएएस अफसर स्ट्राइक पे नहीं गए, पहली बार गए हैं. सो कुछ ना कुछ तो अर्थ शेकिंग हुआ होगा कि सारे आईएएस अफसरों को स्ट्राइक पे जाना पड़ा. कुछ तो भूचाल आया होगा दिल्ली के अंदर. तो भूचाल क्या था कि दो दानिक्स के अफसरों ने दिल्ली की कैबिनेट के डिसीशन को लिखित में मानने से इनकार कर दिया. ये तो थोड़ा बहुत, दो चार साल मैं भी इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी में रहा और हमें सिखाया जाता था कि अगर ऊपर से निर्देश दिया जाए तो आप एक बार ही उसको कह सकते हो कि मैं नहीं मानता. आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो, पर दोबारा अगर आपको कहा जाए तो आपको करना पड़ता है. और कैबिनेट का डिसीशन, कैबिनेट का डिसीशन अगर एक एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी कहे मैं नहीं मानता, तो सरकार तो बंद हो जाएगी, सरकार तो चल ही नहीं सकती. अगर आपको दिक्कत है आप कोर्ट में चले जाइए उसके खिलाफ, लेकिन अगर कैबिनेट ने डिसाइड किया है तो आपको मानना पड़ेगा. तो कैबिनेट के डिसीशन को जब दो अफसरों ने मानने से इनकार कर दिया, उनको सस्पेंड किया गया, तो सबसे पहले तो दानिक्स के अफसरों ने तय किया कि हम स्ट्राइक पर जाएंगे, और उसके बाद आईएएस अफसरों ने तय किया कि हम स्ट्राइक पर जाएंगे. So that was the provocation why they went on strike. इसमें बड़ी interesting मुद्दे निकलते हैं. सबसे ज़्यादा प्रदर्शन तो मुझे लगता है हम लोगों ने किया है. हमें धरना पार्टी फेमसली कहा जाता है, धरना पार्टी है. सबसे ज़्यादा देश में धरने प्रदर्शन के ठेकेदार हम लोग हैं, हमने सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन किए हैं. लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है धरने प्रदर्शनों का. अगर आपको किसी के खिलाफ धरना करना है, प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो पहले आप जाके उस अथॉरिटी से बात करते हैं कि
कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं, प्लीज़ इसको ठीक कीजिए। उसके बाद आप एक चिट्ठी देते हैं, आप कोशिश करते हैं मनाने की, जब वो फिर नहीं मानते तो फिर आप एक रिटर्न वो देते हैं कि इतनी तारीख तक आपने नहीं किया तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमका करेंगे, एक प्रोसेस होता है। हमें जान के ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना तो दानिक्स वाले आके हमसे मिले कि जी आपने गलत कर दिया, कोई आके नहीं मिला हमसे, ना IAS वाले आके हमसे मिले जी आपने गलत कर दिया, हम बड़े बेचैन हैं, हम तकलीफ में हैं, कुछ थोड़ा सा ठीक कर दो, कोई नहीं आके, आपने स्ट्राइक पे चले गए सब लोग। 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे स्ट्राइक पे गए थे, 30 दिसंबर को शाम को 5 बजे इस देश के एक बहुत बड़े टीवी एंकर ने एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को फ़ोन किया। उस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने उस एंकर को बोला कि दानिक्स वाले तो स्ट्राइक पे जा ही रहे हैं, अभी 6:30 बजे IAS एसोसिएशन की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में IAS एसोसिएशन वाले भी ये प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि हम भी स्ट्राइक पे जाएंगे। उसको पहले से पता था कि यार प्रस्ताव पास होने वाला है, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो वहाँ से आ रही थी, निर्णय तो हो चुका था। तो इस सारी चीज़ का क्या मतलब निकलता है? एक ही मतलब निकलता है, स्ट्राइक पॉलिटिकल थी, स्ट्राइक पॉलिटिक्स से प्रेरित थी, स्ट्राइक एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा संचालित थी। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने राजनीति करनी है, किसी अफसर ने, रिज़ाइन करो, आ जाओ चुनाव के मैदान में। इस देश के अंदर बड़े बड़ों की राजनीति खराब कर दी हम लोगों ने। अगर किसी ने राजनीति करनी है, रिज़ाइन करो, आओ चुनाव के मैदान में, खुल के आ जाओ, राजनीति करेंगे आमने सामने खड़े होके। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर रह के राजनीति करने की कोशिश की तो फिर उससे डील करना हम लोगों को भी आता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आज इसको आप लोग, क्योंकि उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला सारे अफसरों को एड्रेस करने का, सो मैंने सोचा कि आज ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके पहले राजेंद्र कुमार आप ही लोगों के बीच के हैं, आप ही के भाई बंधु हैं, मेरे से रिश्ता तो 1 साल पुराना है, आप लोगों से रिश्ता तो शायद 30 साल पुराना है। उसके ऊपर रेड हुई CBI की, यहाँ सारे बैठे हुए कसम खा सकते हैं कि ईमानदार आदमी है, एक भी अफसर बता दो आपके सर्विस के अंदर जो कहेगा वो बेईमान है, सब जानते हैं कि ईमानदार आदमी है। उसके ऊपर गलत रेड हुई, आज 4 महीने हो गए, एक जरा सा सबूत नहीं निकाल पाई CBI उनके खिलाफ, उसके ऊपर तो आप लोगों ने स्ट्राइक नहीं की। तो स्ट्राइक तो पॉलिटिकल थी, उसका तो वो तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी चीज, अगर कोई ऑफिसर आके कहता है जी आज मैं फलाने फलाने स्कूल में गया था, स्कूल की हालत बड़ी खराब है सर, कुछ कीजिए, कोई स्कूलों की बदहाली पे स्ट्राइक पे जाता, कोई कहता जी होमलेस बच्चे बहुत हो गए हैं, बेघर बच्चे हैं, कुछ कीजिए, उस पर स्ट्राइक पे जाते। मेरे पास शिकायतें आई हैं, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं 4-4 महीने से लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, उसके लिए HOD स्ट्राइक पे जाता कि केजरीवाल साहब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर आपने पैसा नहीं रिलीज नहीं किया, फाइनेंस सेक्रेटरी ने पैसा नहीं रिलीज किया तो मैं स्ट्राइक पे चला जाऊंगा। दिल खुश हो जाता कि यार कोई तो है जो सोच रहा है लोगों के बारे में। आज तक कोई उसके लिए नहीं आया कि जो फलाने अस्पताल के अंदर चद्दर खराब पड़ी है, गंदी पड़ी है, खून से लदी पड़ी है इमरजेंसी के अंदर, स्कूलों की हालत खराब है, लोग लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, उसके लिए कोई स्ट्राइक पे नहीं गया। उसके लिए किसी दिन अगर आप में से कोई स्ट्राइक पे जाएगा तो खुशी होगी, आत्मा खुश हो जाएगी। अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनको सभी तरह की जिम्मेदारियां भी दी जा रही है। मेरे को याद है UPSC में जब सिविल सर्विसेज में मैंने भी एग्जाम लिया था, सिविल सर्विसेज में सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड यही पूछता है क्यों बनना चाहते हो IAS, और सबका एक ही जवाब होता है जी देश की सेवा करनी है। 1947 से लेके आज 2016 तक 69 ईयर्स हो गए, इसमें मेरे ख्याल से 7,000-7,500 अफसर और उससे भी ज़्यादा पता नहीं कितने अफसर बन चुके होंगे। इतने सारे अफसरों ने कहा कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं,
सबने झूठ नहीं बोला होगा, उसमें मान लीजिए 50% ने भी सच बोला कि हाँ जी देश की सेवा करना चाहते हैं, फिर ये देश क्यों नहीं सुधरा? तो सिस्टम में भी बहुत बड़ी गड़बड़ है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आज के इस चर्चा के अंदर आप इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि देश क्यों नहीं सुधरा। कई लोग आए थे, जज्बा लेके आए थे कि कुछ करना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, तो इसके बारे में सोचना तो चाहिए। हमारे दिल्ली सरकार में एक बहुत 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 सीनियर अफसर हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, उन्होंने एक बड़ा लंबा नोट लिखा फाइल पे। तो फाइल पे उन्होंने लिखा कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, मिनिस्टर इज नॉट द गवर्नमेंट, मंत्री कुछ नहीं है, मंत्री का कोई अधिकार नहीं है, मंत्री की कोई पावर नहीं है, फाइल पे लिखा हुआ है, मेरे पास नोट पड़ा है, ब्यूरोक्रेसी इज द गवर्नमेंट। तो मैं सोच रहा था यार, मेरा बेटा 10वीं क्लास में है, उसको पढ़ाया जाता है डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं, चुन के आते हैं लोग, जो चुन के आते हैं वो सरकार चलाते हैं, तो ये तो सब गड़बड़ हो गया। मतलब अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी लिखी थी, अंग्रेज़ी तो वो TBR PBR सारा कोट, तो जो मर्जी कोट कर दो अंग्रेज़ी लिखने में क्या है, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी लिखी थी, 6 पेज का नोट था, उसमें उन्होंने लिखा था। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस दिन स्ट्राइक करी तो स्ट्राइक किसके खिलाफ करी भाई, जब तुम ही सरकार हो तो किसके खिलाफ स्ट्राइक करी फिर? उस दिन तो सरकार बन गया केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और स्ट्राइक करी हमारे खिलाफ, और जिस दिन अपनी पावर की बात आई तो बोले जी सरकार तो हमें, आप तो सरकार ही नहीं हो। उसमें लिखा हुआ है मिनिस्टर इज एडवाइजरी, मंत्री एडवाइस दे सकता है सेक्रेटरी को, मंत्री। सो ये क्या है, इसको हम लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे, या इसको एरोगेंस कहेंगे, इसको इग्नोरेंस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे ब्यूरोक्रेसी का? ये सोचने की बात है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता ने हमको चुन के भेजा है, 70 में से 67 सीट आई है, 55% वोट आए हैं। कभी भारत के इतिहास में राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी जी मरी थी उस वक्त राजीव गांधी को 47 या 48% वोट मिले थे, 55% वोट आए हैं। जनता ने मैंडेट हमें दिया है, ब्यूरोक्रेसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका जो मैंडेट है, उसका जो एजेंडा है, वो ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को तकलीफ है तो या तो दिल्ली से ट्रांसफ़र करा सकता है, केंद्र सरकार में जा सकता है, या रिज़ाइन कर सकता है। पर आज जो सरकार है, उस सरकार के एजेंडा को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट, एंड सेक्रेटरी बाय द वेरी डेफिनेशन मीन्स दैट ही हैज टू फॉलो द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। अब चाहे अनचाहे जो भी है, जिस तरह से सरकार चल रही है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, जनता बड़ी खुश है, और इसी तरह से सरकार चलती रही तो 10-15 साल तो हम कहीं नहीं गए, अभी हैं हम, समवन में लाइक इट और समवन में नॉट लाइक इट, पर 10-15 साल तो हम लोग हैं। तो जिन जिन लोगों की 45 के ऊपर उम्र हो गई है, उनके लिए तो देन कोई चारा नहीं है, मतलब वी आर, वो फिर हम ही हैं आपके पास कोई चारा नहीं है 45 के ऊपर की उम्र वालों का। तो आप में से जिन जिन लोगों के सपने हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू टू फुलफिल दोज ड्रीम्स। ये सरकार कुछ भी हो सकती है, बेईमान नहीं है, ये सरकार लोगों के लिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए काम करती है। आज तक कभी नहीं हुआ था, एक बारी झुग्गी टूटी, रात को 2 बजे उठ के, 2:30 बजे उठ के मैं पहुंचा था वहां झुग्गियों के लिए, जैन साहब थे मेरे साथ, अनबरसो साहब थे मेरे साथ, मैं पहुंचा था वहां पे। मुझे नहीं लगता कोई मुख्यमंत्री उठ के रात को 2 बजे झुग्गियां बचाने के लिए कभी जाता होगा। तो हम जनता के लिए हैं। अगर आप में से कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास बड़े ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे, आप में से कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई सपना होगा, कुछ करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डू समथिंग। आप लोग वो सपना, मैं पिछले साल भी बोला था, मैंने कहा था अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है आप हमें बताइए, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, मैंने ओपन कॉल दी थी, एक भी किसी का कोई आइडिया मेरे पास नहीं आया कि जी मेरे पास ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं 20 साल से सरकार में काम कर रहा हूँ, आई हैव दिस ब्रिलियंट आइडिया एंड वॉन्ट टू वर्क ऑन इट। अगर आपके पास है, आइडियाज़ हैं, आपको का कोई सपना है, आप इस सरकार को बताइए, और आपको पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी, कई लोगों को दी गई है जिम्मेदारी, वी विल